तो है गुगामा गांव में पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी। तो यहाँ पे हम गाड़ी को साइड में लगाते हैं और उधर की साइड में उनका मकान है, वहाँ पे देख सकते हो। ये जो वीडियो बनाते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये कुछ इनका लोकेशन है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे काफी लोग मिलने भी आते हैं। आप भैया कहाँ से आए? ये मैं लखनऊ से आया हूँ। ये भैया लखनऊ से मिले आए, यहाँ पे काफी दूर, यहाँ से लखनऊ में से 250 किलोमीटर पता होगा शायद, 300 किलोमीटर के आसपास ये लोग चल के आए। हम तो यहाँ से 60-65 किलोमीटर चल के आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बरेली से आए हैं भैया। बाबा जो भी बोल सकते हैं मित्रों, तो ये वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर मुझे। तो गांव में भी लोग काफी सारे बोलते होंगे मतलब ये गलत काम है, अच्छा है, कोई तो ऐसा कहीं नहीं। अरे रंडियों का काम करते हैं, इसी कमाई कर रहे हैं तो ये उससे पैसा कमाएंगे। अच्छा, तो हम कुछ कहीं भी ना करें भैया जी। इनकी तो इसमें तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, दादी की अभी अस्पताल से आई हुई है, उनको मतलब बहुत ही ज्यादा हालत, बड़ी काफी कमजोर है और थोड़ा सा बुखार उखार रहता है तो इस वजह से परेशान है। वरना ये आज वीडियो में आपको दिखाते हैं हम लोग, लेकिन क्या करें इसमें ये बीमार चल रही है तो इस वजह से इन्होंने हम लोगों ने वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देख सकते हो गुड़िया की भाभी और यहां पे राधा और यहां पे छोटू और हम साथ में सभी लोग मिलने जा रहे हैं दादी बाबा के घर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो दादी बाबा जो है यूट्यूब पर इसमें बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, तो उन्हीं से हम लोग आप बहुत ज़्यादा बेताबी हो रही है मिलने के लिए। तो आपको भी दिखाएंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसी इनकी पोजीशन है, किस तरीके से उन्होंने काम किया और उनका मतलब क्या मकसद बना जो उनको वीडियो बनाना पड़ा, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो हम लोग सभी लोग जा रहे हैं उनसे मिलने। क्यों भैया? हम लोग जा रहे हैं मिलने और वहाँ पर जाकर वीडियो सारी बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ की रहने वाली, कैसे रहती है कैसे नहीं और वीडियो क्यों बनाती है, तो आप लोगों को वही ब्लॉग पर दिखाएंगे, यही वाले ब्लॉग पर। हाँ तो फाइनली गाइस तो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हो हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी तैयार है जाने के लिए। तो हम लोग सभी लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे और आपको ब्लॉग में सारा कंटिन्यू दिखाएंगे कहाँ पे जाना है, कैसे आपको जाना। अगर आप मिलना चाहते हो उनसे तो आप भी जा सकते हो। तो हम लोग जाने की अब तैयारी करते हैं, सभी लोग तैयार हो चुके हैं। तो वहाँ पे देख सकते हो वो सभी लोग आए, हम लोग सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो गुड़िया भी है, राधा भी है, यहाँ पे छोटू भी है और यहाँ पे हम लोग अब निकलने वाले हैं। दोस्तों ये सफ़र जो है हम लोगों का सिर्फ दादी बाबा का मिलने के लिए ही हम लोगों ने ये किया है और सब कुछ आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ब्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो हम लोग निकल चुके हैं घर के बाहर और यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा अच्छी हरियाली आपको दिख रही होगी। गाइस हम लोग गोला पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अपने भानोई को भी लिया है ड्राइव करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से चला नहीं पाता हूँ, अभी दूर जाता हूँ। तो यहाँ से हम गोला आ चुके हैं, गोला से जाएंगे अलीगंज। ठीक है, आप कहीं से भी आओ तो पहले आना गोला से आना, आपको जाना पड़ेगा आपको अलीगंज जाओगे, फिर अलीगंज से वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे उनका मकान पड़ता है, कहाँ पे क्या पड़ता है सब कुछ। अभी मैं खासकर गोला में ही हूँ जैसा कि आपको। तो फाइनली गाइस हम लोग जो है गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये गोला गोकर्ण नाथ का ये बड़ा चौराहा है, जहाँ से आप लोग यहाँ से कहीं से भी जा सकते हो, लखनऊ, बरेली, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद कहीं भी जा सकते हो। तो हम लोग जो एंट्री कर चुके हैं गोला गोकर्ण नाथ में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको लुक है, इधर की साइड में आप जाओगे तो आपको मंदिर की साइड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अलीगंज रोड पे आपको एक पड़ेगा जो रेलवे स्टेशन, यहाँ पे क्रॉसिंग है, तो ये रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग मतलब रेल यहाँ पे पटरी बिछी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो ये बांकेगंज रोड का नज़ारा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेन का आपका नज़ारा इधर से भी है और इधर से भी है, देख सकते हो। ठीक है, तो पहली बार देख सकते हो हम लोग अलीगंज जा चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे नज़ारा है। तो यहाँ पे सर आओ बाहर निकल कर आओगे ना, तो यहाँ पे हमारे भानुई जी हैं जो साथ में हैं। तो हम लोग थोड़ा सा काम है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये अलीगंज का चौराहा पड़ता है, यहाँ पे तिराहा है सर। तो यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा काम है, थोस रहे हैं कुछ दादी बाबा के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ लेने। तो फाइनली गाइस हम लोग अलीगंज से निकल चुके हैं और आगे गांव पड़ता है बिजुआ गुगामा मूड़ा पोस्ट। ठीक है, गांव का नाम है गुगामा, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो केला खाए जा रहे हैं देख सकते हो कितने सारे केले, सबके हाथ में एक एक केला है। और यहाँ पे देख सकते हो छोटू, यहाँ पे ये भी बेटा इसके पास ही केला है
ड्राइवर केला खाते नहीं है क्योंकि उनको केला पसंद नहीं है, तो हम सभी लोग केले खा रहे हैं। यहाँ पे गुड़िया देखो कैसे खा रही है केला। तो फाइनली देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं गुगामा, ये देख सकते हो गुगामा। तो फाइनली गाइस हम लोग गुगामा गांव में आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये गुगामा गांव है। तो हम लोग खोज रहे हैं तो किसी ने मुझे रास्ता बताया है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग कटेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये गुगामा गांव के अंदर का सीन है बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हो तो मैंने भोकलो का नहीं खाया था, ये गाड़ी पहुँच जाएगी यार। तो ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ये मोहल्ला है। तो ये देखिए भैया बताते जा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे ये लोग रहते हैं, उनसे मिलेंगे तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है वहाँ का। गाइस हम लोग जो है गुगामा गांव में पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी। तो यहाँ पे हम गाड़ी को साइड में लगाते हैं और उधर की साइड में उनका मकान है, वहाँ पे देख सकते हो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग गाड़ी साइड में लगाएंगे, फिर वहाँ पे देखते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पे ये मात्र 45 दिन आप लोगों ने वीडियो में देखा जैसा ये लोग बनाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे इनका रहन सहन है। तो इनको ज्यादा ज्यादा आप लोग सपोर्ट करते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं भी ये सबको देख कर मैं भी इनसे मिले आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए बालाजी हमारे, यहाँ पे देखिए ये जो वीडियो बनाते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये कोई गलत काम नहीं है। लोग जैसा भी बोलते हैं वो उनको बोलने दो, बाबा आप अपना काम करते रहो, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे को लगा यहाँ पे। अभी मैं आपको अपना डिटेल बताऊँ मैं कहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ इनका लोकेशन है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब गरीब परिवार है, ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं बहुत अमीर है, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब भी वीडियो बनाकर कुछ अच्छा खासा अर्न कर सकता है, अच्छा खासा पैसा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी लोग मोहल्ले में यहाँ पे देखने आए हैं कि हम लोग जैसे देखने आए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मिलने भी आते हैं। आप भैया कहाँ से आए? ये मैं लखनऊ से आया हूँ। ये भैया लखनऊ से मिले आए, यहाँ पे काफी दूर, यहाँ से लखनऊ में से 250 से 250 किलोमीटर पता होगा शायद, 300 किलोमीटर के आसपास ये लोग चल के आए। हम तो यहाँ से 60-65 किलोमीटर चल के आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बरेली से आए हैं भैया जी। ये लखनऊ से, ये बरेली से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मैंने बाबा का वीडियो देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सब हमारे फैमिली मेंबर के लोग देख रहे हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे जो हम लोग मिलने आए, तो यहाँ पे सारे लोग तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन जो दादी अम्मा है उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, तो उस वजह से हमको ये मिल नहीं पा रही है। तो कोई उनके जो बोतल लग रही है उनके, मतलब उनका इलाज चल रहा है, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम बन गई होगी इस वजह से। तो यहाँ पे अभी बाबा जी हमारे साथ मिले हुए हैं। बस यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुके थे कि इनके चैनल पर आज के लमसम में 4 लाख मतलब सब्सक्राइबर का, 4 लाख के आसपास सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने सोचा था, मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया था कि अभी इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये लोग गांव से बिलोंग करते हैं। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, उनको चैनल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, किस तरीके से क्या होता है, कहाँ पे मोनेटाइज होता है, कैसे पैसा आता है, कुछ भी नहीं पता होता। तो मैंने सोचा चलो इनकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे और इनसे मिल भी लेंगे, तो इससे अच्छा मौका मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हो ये पूरा गरीब परिवार से है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे आपने ब्लॉग में देखा होगा माता जी यहाँ पे चौका लगा रही थी, ये देखिए चूल्हा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो उस दिन जो ब्लॉग में आपको दिखाया गया था, तो चूल्हा चौका यहाँ पे कर रही थी माता जी। तो यहाँ पे इनका भी तरीके से रहन सहन है, बहुत ही गरीब परिवार से है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इनको सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ये लोग भी आगे बढ़कर कुछ कर सके। तो बाबा आपने जो ऐसा काम किया है, ये आप कभी सोच नहीं सकते कि इसमें कितना पैसा है और कितने लोग आपसे मिलने आएंगे। ये बहुत ही बड़ा काम है, जैसा कि यहाँ पे बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये छोटा मोटा काम है जिसमें सुपर इंजीनियर जितना नहीं कमा पाते हैं, जितना यूट्यूब से लोग कमा लेते हैं। अच्छी सरकारी नौकरी छोड़कर भी वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। उसके पास सरकारी नौकरी है, यह मान के सरकारी नौकरी में कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो यही भी लोकेशन है जहाँ पे दाई बाबा जी वीडियो बनाते हैं, ये उनका घर है। देख सकते हो कितना, आप खुद सोच सकते हो कितना गरीब परिवार से हैं। तो देख सकते हो ये यहाँ पे इनका घर है, तो अंदर, और यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं क्योंकि यहाँ का लोकेशन अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग बना लेते हैं वीडियो। ये है नींबू का पेड़ शायद, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा भी लोकेशन भी आता है, और भी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी हैं।
तो यहाँ पे काफी लोग जैसे कि तो कहते हैं देखो ये कुछ तरीके से यहाँ पे इनके गांव का है बाहर, और इस तरीके से यहाँ पे इनका लुक है, पूरा कपड़ा पड़ा हुआ है। इधर ये लेटरिन बनी हुई है, इधर भी मतलब एक बना हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ के लुक है। तो हमारे बाबा जी जो बाबा दाई बाबा जो भी बोल सकते हैं मित्रों, तो ये वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर मुझे। तो बाबा से आज मिलने आए हैं, तो थोड़ा सा इनसे पूछताछ करेंगे भाई, इनका वीडियो बनाने का क्या मकसद था, कैसे इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, तो सब कुछ आपको ये बाबा जी बताएंगे। तो बाबा ये बताइए कि जैसे आपके वीडियो बनाने में इंटरेस्ट था पहले से ही, या किसी ने आपको बताया कि वीडियो बनाओ आपको यूट्यूब पर पैसा ना? देखें जी से सुने नहीं सही भैया, अच्छा तो हम फिर शुरू कर दिए ना। हम कोई यह नहीं सोच रहे कि हम भी जीना कुछ हो। हाँ हाँ जब हम काटता नहीं है कोई नहीं, हम ऐसे ही बना के शुरू कर दिए। फिर हमका मोबाइल ले दियो गवा। अच्छा मोबाइल किसने लेके दिया आपको? मोबाइल वही बैठे भैया। कौन तो जय भैया? अच्छा इधर आने का, ये कौन है आप? जय हमारे गांव के रहे किसने लेके दो पूरा ब्लॉग तुम बना लो, बोल था पूरा बन जी है तऊ नाई बन जी है तऊ दादा मेरे में बना दे लो सब लोगों ने केरी दया। तो ये देख सकते हो, तो ये देख सकते हो भैया जी हैं जो मतलब पैरों से थोड़ा कमजोर रहे, तो भगवान इनको बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाएगा, तो सभी लोग सपोर्ट करना। तो जैसे कि देख सकते हो इन्होंने ही इनको सहारा दिया है, अब बैठ जाइए, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ये है सहारा दिन भैया, ये मोबाइल लेके दे देखे इन्होंने, देख सकते हो इनकी, हमने देखो है इनकी पट्टी बंदी रहते हैं। काफी गरीब परिवार है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये लोग वीडियो में जो बताते हैं आपको कि ये है वो है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसे। जितना जी लोग आप लोग बहुत सारे कमेंट भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि आप इतना गरीब नहीं हुआ, ऐसे नहीं है, आपका अच्छा खासा मकान बना हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया कुछ भी नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार से हैं ये लोग। तो आपने इनको मोबाइल लेके दिया था, आपको कैसे पता चला था कि यूट्यूब पर पैसा मिलता है? मैं समझ रहा था कि जैसे मान लिया गरीब आदमी है जो भी, तो गरीब आदमी ऐसा काम कुछ कर लेंगे तो शायद कामयाबी पा जाए। अच्छा अच्छा हाँ ये तो बात सही है। तो गांव में भी लोग काफी सारे बोलते होंगे मतलब ये गलत काम है, अच्छा है, कोई कोई तो वैसे कही नहीं, अरे रंडियों का काम करते हैं, इसी कमाई कर रहे हैं, तो ये उससे पैसा कमाएंगे। अच्छा तो हम कुछ कही भी ना करें भैया जी, हमने कुछ नहीं कहा उनको, हम कहा धन्यवाद है कहीं ने दो हम कोई क्या दिक्कत नहीं। अभी थोड़े कुछ समय के बाद में ना जैसे आपका चैनल मोनेटाइज जैसे भैया अगर करवा रहे हैं तो भैया करवा देंगे आपका चैनल मोनेटाइज, तो जो लोगों ने ये शब्द बोले हैं ना उनके मुंह पे ताला लग जाएगा, जब आपका कुछ दिन के बाद देखेंगे ना उनके मुंह पे ताला लग जाएगा ऑटोमेटिक की उनको ये लग जाए, जो ये गलत सब सोचते हैं ना कि ये रंडियों काम है, डांस करना, वीडियो बनाना, ये सब रंडियों काम है, ये उनकी इतनी घटिया सोच है ना, आप कहीं नहीं सकते कुछ, उनके मुंह पे एकदम ताला लग जाएगा। एक महीने के अंदर अंदर हमको इतना नॉलेज, एक महीने के अंदर अंदर आज मैं आया हूं यहां पे, एक महीने के अंदर अंदर देखना है तो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बदल जाएगा जब इंसान आगे बढ़ता है ना, जब आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए आगे जो उसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही आएगा, लेकिन 100 में से जो 99% वो हमेशा नीचे खींचते रहते, वो चाहते कि अगर ये गरीबी में जी रहा है तो गरीबी में जी आगे बढ़ने सोचते ही नहीं कभी, और गांव के लोग तो कभी जीवन नहीं सोच सकते हैं। बिल्कुल बाबा बहुत ही सीधे इंसान है, देख सकते हो उतनी जैसे है, जो हाथ जोड़े हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ना ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें आपको लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा, मैं यूपी शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ, हमारा जो शहर पड़ता है वो खुटार, ठीक है, खुटार शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। हमारे गाँव का नाम पिपरिया भागवंत, और हम लोग जो आए हैं यहाँ से लगभग 60 से 65 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है, जो यहाँ पे आप अपना एड्रेस बताओ बाबा एक बार, तो आप बाबा के मुंह से ही बता देते हैं ये बाबा कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या इनका एड्रेस है, बताओ सही से बताना। बिल्कुल बिल्कुल जैसे वो वीडियो लॉन्ग वीडियो में आपने बताया था आपने दादी ने, सेम वैसे बताना, ठीक है। ग्राम इधर देख के, इधर देख के, इधर पंचायत गोगावा के हम रहने वाले हैं, जिला हमारा लखीमपुर खीरी है, पोस्ट मूड़ा सवारा में, पोस्ट मूड़ा सवारा में। अच्छा फिर से एक बार आप बताना जरा, यह जिला लखीमपुर खीरी है और हमारा ग्राम गोगावा है, पोस्ट मूड़ा सवारा में है, जिला लखीमपुर खीरी है। तो जैसा कि आपने देखा है ये एड्रेस इनका है पूरा, अगर जो भी मिलना चाहते हैं, जो भी इनको सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो आप लोग आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले गोला गोकरण नाथ आना है, अगर यहाँ से बरेली लखनऊ से कहीं से भी आ रहे हो तो गोला गोकरण नाथ आएंगे, गोला से सीधे आप अलीगंज रोड पे पड़ जाएंगे, अलीगंज रोड से सीधे रोड पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे गोगामा गाँव पड़ता है, आप डायरेक्ट इनसे बाबा से मिल सकते हैं। तो दाई नजर नहीं आ रही है, ये सबसे दुखद खबर है कि मतलब दादी की अभी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उनकी बोतल वोतल लग रही है, तो थोड़ा उनसे मिलने में आज मिल जाएंगे नहीं आज? हाँ मिल रही है, मिल जाएगी। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, तो उनका रिएक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो ज्यादा ज्यादा मेरी यही दुआ है आप सभी इनसे कि भगवान से भी यही दुआ मनाता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा आगे जाएं और अच्छा खासा कुछ कर पाए। और आप लोग भी ज्यादा ज्यादा इनकी वीडियो पे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो इनकी इसमें तबीयत खराब है बहुत ज्यादा दादी की, अभी अस्पताल से आई हुई है, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा हालत बड़ी काफी कमजोर है, तो तब भी इतनी कमजोरी में इतना सब कुछ कर लेती है बहुत ही बड़ी बात है। जैसा कि अभी हॉस्पिटल में थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तो मतलब इसमें बुखार इनको आ रहा है ना? हाँ, उनकी बहुत ज़्यादा इसमें जो तबीयत जो खराब, बीपी हाई हो जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बुखार उखार रहता है, तो इस वजह से परेशान है। वरना ये आज वीडियो में आपको दिखाते हैं हम लोग, लेकिन क्या करें इसमें ये बीमार चल रही हैं, तो इस वजह से इन्होंने हम लोगों ने वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भाई इनको सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत किया इनको वीडियो बनाने में। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सभ्य परिवार के ये सभी लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सभी को सपोर्ट करना आप लोग, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ दिखाया है किस तरीके से ये लोग रहते हैं, कि मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, भगवान करे ये भी ज़िंदगी में कुछ अपना आगे कर पाएँ। तो यही था आज का ब्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया है, तो मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हम लोग निकल रहे हैं अब घर की ओर।